इधर का थोड़ा है ना। पूरा मिनट वो लोग बोतल हम देखे थे लेकिन उसको हम नहीं बोतल भी पेट्रोल रखा था। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय जीसु। दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहा है कि झारखंड का एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल को जलाने के लिए कोशिश किया जा रहा था और जोर शोर से तोड़फोड़ हुआ है। तो चलो हम लोग सबसे पहले उस वीडियो क्लिप को देखते हैं कि क्यों जलाने के लिए कोशिश किया जा रहा था और क्यों जोर शोर से तोड़फोड़ हुआ है। चलिए चलिए देखते हैं कि किधर इधर घुस के मार रहा है भाई लोग। ये प्लॉटिंग किया हुआ है। अच्छा हाँ सर, अंधेरा है पूरा। अकेले नहीं होगा, ये पकड़ा गया इसलिए अकेले दिख रहा है क्या? कहाँ यार, कहाँ दिखता है, दिखा दे तो दिखा रहा है। ये सब सब में नहीं, कुछ कुछ ऊपर नहीं है, नहीं था पहले, ऊपर नहीं है ये सब में, मतलब चार पांच उतना साफ नहीं दिखा पा रहे ना। दिखा तो टॉर्च लगाते भाई नहीं। अच्छा सर बुला रहे हैं, बाहर से लेके झोला के बोरा में नहीं लगा। अच्छा यहीं से ईटा लेके गया, थोड़ा से उठाया है। जी जी हाँ, प्लानिंग तो नहीं था, प्री प्लान नहीं था। नहीं जी जी हाँ, अब क्या बोलेंगे, यहीं से उठाया, यहीं पर ईटा को फोड़ा और चलाया है ना जी। बीच लगे थे मैंने फोटो बीच रही अपना मोबाइल का मर गए बढ़िया नहीं चूरा भी है यहीं पर तोड़ा है और हाथ में लेके गया है। इधर से थोड़ा है मारा है सब, मतलब पूरा फोड़ फाड़ दिया है नहीं है। ऊपर का पता नहीं, वहाँ तो नहीं पता नहीं, ऊपर नहीं उसको मारा है जी ऊपर। हाँ न मारा है तो पूरा अंदर शीशा उसा गिर रहा है ऊपर भी, जो अपने पता चले कि ऊपर जा रहा है। हम देखे हुआ है, हम लोग पता कैसे शीशा झाड़ा है, नीचे में गिरा हुआ है पत्थर, वो एक ठोटा तो हुआ था ना दिख रहा है। इसको नहीं वाला को, वो तो सीढ़ी वाला है, वही नहीं वाला, ये नहीं वाला, ये मार इसी में मारा है। हां ये इसी में मारा है, ऊपर नहीं मारा, वो तो उसको सीढ़ी उसको एक ईटा वो देखिए सर, वो देव पड़ा है ये दी जगह है। ये प्लानिंग के बोलते हैं सब, रिस्क कार को भी कर देंगे क्योंकि देखो हम ज्यादा पंचायत नहीं कर सकते, समझ गए। अगर पागल होगा तो नहीं होगा तो सुनिए ना, एगो लिखवा लीजिए ठीक है, अपना रिस्क पर लेके जाए कहाँ है बोरा, लाइट कहाँ है लाइट, ये बोरा शायद ना। हाँ ये वो लाइट कहाँ है अभी, ये देखिए इसको ऐसा मतलब पेट्रोल में डुबा करके है ना, आग लगा करके फेंक रहा है, बताइए आग लगाने का प्रयास ही था ठीक है, तो अब इसको ये लोग पागल घोषित करने में लगा हुआ है। ये देख लो बुरा ये कुछ है ना, और इतना इतना से प्लान करके ना आया भाई, पेट्रोल है पेट्रोल डाला है पूरा मिनट वो लोग बोतल हम देखे थे लेकिन उसको हम नहीं बोतल भी पेट्रोल रखा था कहाँ किया है, ये लगा देखते हैं ना, देखिए है ना ये पूरा इधर भी ना, मतलब ये टॉयलेट का भी हाल ही लोग हालत खराब कर दिया। बाप रे बाप, पूरा फोड़ फाड़ के बराबर एक आदमी का काम नहीं है ये, इतना इतना जो किया है ना,
एक आदमी का काम नहीं हो सकता है इधर ही, वो तो वहाँ तक इटा गया है उसको तो। कहाँ तक? तो अरे बा दोस्तों, आप लोगों ने देखा छोटा सा वीडियो क्लिप को। इस वीडियो को देखने के बाद में यही पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इस क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल को जलाने के लिए कोशिश कर रहा था और तोड़फोड़ किया है, वो ऐसा नहीं लगता कि वो मेंटल है इसलिए, या फिर साइको है, या फिर उसका दिमाग ठीक नहीं है इसलिए वो इस मिशनरी स्कूल को जलाने के लिए कोशिश कर रहा था और तोड़फोड़ किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है दोस्तों। इस व्यक्ति ने जानबूझ के उस मिशनरी स्कूल को जलाने के लिए कोशिश कर रहा था और तोड़फोड़ किया है, लेकिन लोगों का यही बयान निकल कर सामने आ रहा है कि इस व्यक्ति मेंटल है, अर्थात उसका दिमाग थोड़ा सही नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है दोस्तों, झूठा आरोप है। जो लोग भी ऐसे बयान दे रहे हैं, इस व्यक्ति को बचाने के लिए बयान दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो फुटेज को यदि हम लोग देखेंगे तो हम मान सकते हैं कि यदि उस व्यक्ति मेंटल है तो पत्थर से या फिर ईंट से तोड़फोड़ किया तो चलेगा, हम सोचेंगे कि भाई मेंटल है इसलिए शायद वो ऐसा किया, लेकिन वो बोरा लेके उस बोरा को पीस पीस कर दिया है और फिर बॉम्ब जैसा छोटा छोटा बनाया है और वहाँ पे वो पेट्रोल या डीजल डाल दिया है, फिर उसको यदि वो जला के फेंकेगा तो पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा, पूरा स्कूल जल जाएगा। दोस्तों इस प्लानिंग को देखने के बाद में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो मेंटल है या फिर साइको है, कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया है दोस्तों। लेकिन आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं मिलजुल के, लेकिन अभी कुछ समय में ऐसा परिस्थिति हो गया है ईसाई लोगों का कि यदि ईसाई लोगों के खिलाफ कोई गलत करे, कोई गलत कदम उठाए, या फिर कोई स्कूल पर तोड़फोड़ करे या फिर कुछ भी करे, वो उनका नज़र में गलत नहीं होता। हमेशा वो लोग बचने के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा वो लोग बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ईसाई लोगों का पक्ष में कभी नहीं होते और कभी उचित कार्रवाई नहीं होता किसी लोगों के खिलाफ में भी दोस्तों। लेकिन हमारे ईसाई लोग यदि किसी एक जगह पर चंगाई सभा करें या फिर कहीं पे भी कुछ काम करने के लिए कोशिश करें, या फिर वो गलत हो, चाहे वो गलत हो या फिर ना हो, लेकिन इतना झूठा आरोप लगाया जाता है कि प्रशासन तुरंत उस जगह पे पहुंचकर तुरंत उसको जेल में डाल देता है और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाता है दोस्तों। तो अभी एक ऐसा समय है दोस्तों, ऐसा समय से हम लोग जूझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमेशा हम लोगों को परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर ही स्वयं ये सब का न्याय करेंगे, उचित न्याय देंगे। हम एक ही आशा लेके आगे बढ़ेंगे दोस्तों और हमेशा प्रार्थना करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय जीसु, धन्यवाद।